नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, ज्ञान विहार विद्यालय ऑनलाइन शिक्षण में तमारू स्वागत छे। आज आपणे भणीशुं धोरण चार, विषय छे हिंदी। तो धोरण चार विषय हिंदी, एमां तमारे हिंदी अभिनव खोलो। चालो पहला तो हिंदी अभिनव काढी बधाए। एमां पाठ 12 छे, भेड़िए की सुंदरता, एना विषे अभ्यास करवानो छे। आज आपणे बधाए खोलियो पाठ 12। तो एमां पहला शब्दार्थ आप्या छे आपणे, तो भेड़िया तो वरु, बहुत तो खूब, आईना तो दर्पण, सूरत तो चेहरो, डरावनी तो डरामो हणी। आ શું આપણને શબ્દાર્થ આપ્યા હતા? આપણને અહીંયા સરસ મજાનું જો શિયાળાનું ચિત્ર આપ્યું છે, એમાં જોઈએ એક ભેડિયા હતા, ભેડિયા એટલે કે વરુ, સોરી આ વરુનું ચિત્ર આપ્યું છે। વહ અપને કો બહુ સુંદર સમજતા હતા, પહેલાં આપણે વાંચી લઈશું। तो कि एक भेड़िया था, वह अपने को बहुत सुंदर समझता था। एक दिन जंगल में उसे एक आईना मिल गया। भेड़िए ने आईने में अपनी सूरत देखी। बाप रे, कितनी डरावनी! भेड़िया अपनी ही सूरत से डर गया, आईना वहीं छोड़कर वह भाग गया। तो शू कहे छे, एक भेड़िया था एटले के एक वरु हतो, वह अपने को बहुत सुंदर समझता था। ई पोताने शू खूब सुंदर समझतो हतो। एक दिन जंगल में उसे एक आईना मिला, एटले एक दिवस जंगल में एने एक अरीशो मळ्यो। अरीशो एटले आईना एटले के दर्पण, दर्पण एटले अरीशो। भेड़िए ने आईने में अपनी ही सूरत देखी। बाप रे, इतनी डरावनी! पछी भेड़िया एटले के जे वरु होय छे, ई पोतानी ज सूरत एटले के पोतानो ज चेहरो आईनामां एटले के अरीशामां जोवे छे, अने ई ज जोईने पोते डरी जाय छे कि बाप रे, आटली बधी डरावणी एम। पछी भेड़िया अपनी ही सूरत से डर गया, तो वरु पोतानी ज सूरत एटले के चेहराथी डरी गयो। आईना वहीं छोड़कर वह भाग गया, एटले के अरीशो, दर्पण त्याने त्या छोड़ीने ते जतो रह्यो त्यांथी। तो शू एक वरु होय छे, ए वरु पोताने केवुं खूब ज सुंदर समझतुं होय छे, अने एक दिवस एने शू थाय छे, जंगलमांथी एक अरीशो मळे छे, अने ए वरु પોતાનો જ ચહેરો એ અરીસામાં જોવે છે, અને પોતાનો ચહેરો જોઈને શું થાય છે, એ પોતે જ ડરી જાય છે, અને પછી ડરથી તે ત્યાંથી વયો જાય છે, એટલે કે અરીશો છોડીને ત્યાંથી વયો જાય છે। પછી આપણને સ્વાધ્યાય આપ્યું છે, નિમ્નલિખિત હિન્દી શબ્દો કે પાસ ગુજરાતી શબ્દ લખીએ। તમને હિન્દી શબ્દ આપ્યા છે, બાજુમાં તમારે શું કરવાનું છે, ગુજરાતી શબ્દ લખવાના છે। તેમાં પહેલું આપ્યું છે સુરત, તો સુરત તો શું થાય એનું ગુજરાતી, તો કે ચહેરો, સારા અક્ષરે વ્યવસ્થિત પેન્સિલથી અહીંયા લખવાનું છે, ચેહ રો। પછી ડરાવણી એટલે કે ડરામણી, ડરામણી। પછી ભેડિયા, ભેડિયા એટલે શું, વરુ। પછી બહુત એટલે ખૂબ। પછી આઈના, દર્પણ। જંગલ એટલે જંગલ। બીજું પણ લખી શકી, વન।
पची प्रश्न नंबर बे छे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तेमा पहलो प्रश्न आप्यो छे, भेड़िया अपने को कैसा समझता था? भेड़िया अपने को कैसा समझता था? तो जवाब में लखवानू, भेड़िया अपने को बहुत सुंदर समझता था। तो ये लखवानू, भेड़िया अपने को बहुत सुंदर समझता था। पछी बीजू, भेड़िए ने आईने में क्या देखा? तो भेड़िए ने आईने में अपनी सूरत देखी। एम लखवानू, लखवानू, भेड़िए ने आईने में अपनी सूरत देखी। तीजू, भेड़िया क्यों भाग गया? तो जवाब में, भेड़िया अपने ही डरावनी सूरत देखकर भाग गया। तो यह लखवानू, भेड़िया अपनी ही डरावनी सूरत देखकर भाग गया, देखकर भाग गया। आवी ज रीतना व्यवस्थित तमारे हिंदी अभिनवमां पूरी नाखवानू छे, सारा अक्षरे पेन्सिल थी पूरवानू छे। तमारे मैं भले अहीं बॉलपेन थी पूर्यु होय, पण तमारे से ने पेन्सिल थी पूरवानू छे, जेथी करीने चेक चाक के एवं कंई थाय तो तमे पाछुं सुधारी शको छो। तो विद्यार्थी मित्रों, आजे आपणे अहीं पाठ 12 अभ्यास करी लीधो, હવે પછીનો અભ્યાસ આપણે બીજા વિડીયોમાં કરીશું। નમસ્તે, ધન્યવાદ।